Hello students, welcome to my channel. I am Rashmi Sharma, your maths teacher. आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है शो दैट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे या इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि 38-52 एंगल हैं जो कि जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है. तो हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो ये 38 प्लस 52 इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री. अगर दो एंगल का सम 90 है तो वो एंगल क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के थ्रू सॉल्व करेंगे. ये सारे हमारे कौन से एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के अंदर है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री. ठीक है, अब हम इसमें से क्या करते हैं, या तो हम 38 को चेंज करते हैं या 52 को. जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सॉल्व करते हैं तो किसी भी एक एंगल को हम चेंज करते हैं. यहाँ दो है 38-52, किसी भी एक एंगल की वैल्यू को हम पुट करेंगे. तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 38 की, तो वो हो जाएगा 90 माइनस 52. 38 आपको इस क्वेश्चन में जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे हम चेंज करके उसकी जगह पुट करेंगे 90 माइनस 52. तो फर्स्ट यहाँ पे है कॉस 38 हो गया 90 डिग्री माइनस 52. पैरिंग बन गई, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो किसी एक को चेंज करना है दूसरे को नहीं चेंज करना है. 52 माइनस साइन, तो 38 की जगह हम पुट करेंगे 90 माइनस 52 और सेकंड हमारा एज इट इज. अब यहाँ पे आइडेंटिटी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो से कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा. तो जो भी यहाँ पे थीटा होता है वो आगे आ जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा साइन का कॉस, और एंगल आपका जो 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे वो इनका एंगल हो जाएगा. तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया कॉस सेम. ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा हमारा कितना है, ये थीटा ये रहा 52 डिग्री, और ये हो गया साइन 52 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये साइन 52 कॉस 52 है और ये कॉस 52 साइन 52 है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों टर्म सेम है, तो ये इससे क्या हो जाएगी कैंसिल. फिर भी मैं आपको इसको रीअरेंज करके बता देती हूँ क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है तो ये कैसे मल्टीपल हो गए. लेकिन प्लस करने में और मल्टीपल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे मल्टीपल हो रहा है या कौन किससे एडिशन में हो रहा है. ये ऐड कौन किससे ऐड है या मल्टीपल है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अब देखो ये टर्म सेम हो गई क्योंकि इसको इससे मल्टीपल करो या इसको इससे करो उससे कोई इफेक्ट नहीं है. 2 इंटू 3 करोगे तब भी 6 आएगा या 3 इंटू 2 करोगे तब भी 6 आएगा. ठीक है, तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल, तो कैंसिल हो गए मीन्स 1 माइनस 1 कितना हो गया 0. तो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 0, जो हमें प्रूफ करना था 0 कि इस टर्म को सॉल्व करके आप कैलकुलेट करना था कि इसकी वैल्यू कितनी आती है 0. तो यहाँ पे देखो हमने सॉल्व करके बता दिया इसका आंसर कितना आ गया 0. तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा. कोई किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.